महाराष्ट्र के नागपुर में 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें यूपी उत्तराखंड के सहित लाखों की संख्या में शामिल होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने उपजा में प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करके मामले में जानकारी दी। इस मौके पर यूपी उत्तराखंड एवं दिल्ली के प्रभारी बाबू जगदीश प्रसाद ने बताया कि अशोक धम्म विजय दशमी बौद्धों का प्राचीन पर्व है। इस दिन सम्राट अशोक महान ने बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण की थी। 12 अक्टूबर 2024 को नागपुर के दीक्षा भूमि में विशाल धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है। वो विशाल धम्म दीक्षा समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य भदंत नागार्जुन सुरेश सुसाई जी, जो जापान के रहने वाले हैं और जो शिक्षा हम लोगों को दीक्षा देंगे वो कुशीनगर के हैं, पूज्य भदंत ए बी ज्ञानेश्वरी जी, और उसके मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, जो पूर्व में MLC भी रहे हैं, और हम सब पूरे भारत से लगभग लाखों की संख्या में वहां चल करके धम्म दीक्षा भूमि पर प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बोधिसत्व बाबा साहेब के द्वारा दिया गया 22 प्रतिज्ञाएं, उन प्रतिज्ञाओं को भी लोग ग्रहण करेंगे। इस तरह से पूरे भारत से आज 68 वर्ष के बाद, 68 वर्ष पूर्व बाबा साहब ने धम्म दीक्षा का प्रोग्राम लिया था, और 68 वर्ष के बाद आज पूरे भारत से लाखों बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी वहां चल करके दीक्षा लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार निगम है, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश महासचिव, पूछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी, और सबसे पहले मैं इस उपजा प्रेस क्लब में आए हुए सभी महानुभाव प्रेस रिपोर्टर मीडिया प्रिंटरी मीडिया सभी को पहले साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे छोटे से मैसेज पर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो 1956 को धम्म दीक्षा ली थी, धम्म दीक्षा इसलिए ली थी कि जो बौद्ध धम्म है वो धम्म मानवतावादी है, स्वतंत्रतावादी है, समतावादी है, स्त्री पुरुष किसी में भेदभाव नहीं रखने वाला है, ऊंच नीच वाला नहीं है। इसलिए इस धम्म की और इस कार्यक्रम की, क्योंकि देश में आए दिन हम लोग देख रहे हैं नाना प्रकार की घटनाओं से, क्योंकि मानवता का जब तक संदेश देश में नहीं जाएगा, जब तक मानव को मानवता पे नहीं लाएगा, क्योंकि मानव एक समान है, इसलिए इस कार्यक्रम की आयोजन करने की और धम्म दीक्षा लेने की आवश्यकता। ये मानवता वाली वादी धर्म है, इस धर्म में स्वतंत्रता बंधुता न्याय आधार पे ये धम्म है, और धम्म नहीं प्रबुद्ध व्यक्ति बनाए जाते हैं, इस धम्म में प्रबुद्ध होते हैं, वहाँ पे कोई झगड़ा कोई फसाद कोई एक दूसरे बेमनता विषमता नहीं होती है, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है। इसलिए माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप इस देश से? इस देश के सभी नागरिकों को, सभी को एक अनुरोध करेंगे कि इस धम्म की दीक्षा जरूर ले, क्योंकि धम्म की दीक्षा लेने के बाद इस प्रेस बंधुओं के द्वारा जन जन तक पहुंचाएं कि धम्म क्या है। धम्म एक इस देश में मानवतावादी धम्म है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं इस प्रिंट मीडिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा
इस संदेश को 14 अक्टूबर 2024 और 13 अक्टूबर 3 दिन का विशाल कार्यक्रम है। 14, 13, 12 को स्टार्ट होगा, 14 को खत्म होगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम नागपुर में है। नागपुर में कार्यक्रम इसलिए कि वहाँ नागों की राजधानी थी, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर को ही चुना था। उत्तर प्रदेश के सभी स्टेटों से